पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के लिए ब्रॉडकास्टर्स भी रावलपिंडी स्टेडियम पहुंचना शुरू हो गए हैं दोनों टीमों ने आज रावलपिंडी स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस सेशंस किए उसके साथ साथ ब्रॉडकास्टर्स भी अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं तो आज हम आपको ये थोड़ी सी तफसील देंगे कि किस तरीके से वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग होगी किस तरीके से वहाँ पर जो इक्विपमेंट है जो कैमराज हैं जो बाउंड्रीज़ के हवाले से आपको तफसलियां बताएँगे वो तो सबसे पहले आपको बताएँ सत्ताईस जो है वो हाई डेफिनेशन कैमराज जो है इस सीरीज़ में जो इब्ताई मैच है रावल पिंडी में वहाँ पर इस्तेमाल किए जाएंगे पिंडी स्टेडियम में उसके साथ साथ बगी कैम्प जो कि एक खूबसूरत एक लुक होता है मैच के दौरान बाउंड्री से बाहर वो भी आपको इस सीरीज़ में नजर आएगा उसके अलावा हॉक भी आपको पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें इस्तेमाल किया जाएगा तो इस बार सत्ताईस हाई डेफिनेशन कैमराज पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए जो है वो आगाज़ होगा तो इस वक्त राहुलपिंडी स्टेडियम में ब्रॉडकास्टर्स ने अपना सेटअप जो है वो शुरू कर दिया है डिजिटल बाउंड्रीज़ के हवाले से बात की जाए तो डिजिटल बाउंड्रीज भी लगाई जाएंगी इससे कबल जो मुख्तफ टेस्ट सीरीज़ होती रही हैं उसमें भी डिजिटल बाउंड्रीज़ का जो है इस्तेमाल किया जाता रहा है तो ये एक अच्छी बात है कि इस टेस्ट सीरीज़ में भी एक बार फिर से डिजिटल बाउंड्रीज जो है वो यूज़ हो रही हैं उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सत्ताईस हाई डेफिनेशन कैमराज जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी बगी कैम भी इस मरतबा जो है वो आपको पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ में नज़र आएगा तो इस वक्त ब्रॉडकास्टर्स वहाँ पहुँच चुके हैं वहाँ पर जो सामान है जो इक्विपमेंट है कैमराज हैं डिजिटल बाउंड्रीज़ हैं उनकी तनसीब का काम भी शुरू हो चुका है लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है क्योंकि यकम दिसंबर से ये टेस्ट सीरीज़ का आगाज होने तो अब एक दो रोज़ ही दोनों टीमों के पास बाकी हैं ब्रॉडकास्टर्स के पास बाकी हैं ताकि वो अपना सामान अपना जो इक्विपमेंट है वो यूज़ कर लें स्पाइडर कैम्प नहीं होगा क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में हमने अक्सर देखा है कि वो जो स्पाइडर कैम है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता लेकिन बगी कैम यकीन तौर तो पर स्पाइडर कैम की जो कमी है वो पूरा करेगा उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज़ कहाँ कहाँ दिखाई जाएगी तो सबसे पहले अगर आपको बताएं तो पाकिस्तान में जो टेस्ट सीरीज़ होगी वो पी स्पोर्ट्स जो है वो आपको लाइव दिखाएगा अगर आप टी के सामने हैं तो आप पी स्पोर्ट्स पर देख सकते हैं और अगर आपके घर में नहीं है कि ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के जो मैचेज़ हैं वो ए आर जैप की जो ऐप है मोबाइल ऐप उसके ऊपर भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं तो कहीं भी सफर कर रहे हो तो आपके पास बसानी जो है वो आप एआरवाई जैप की ऐप के ऊपर ये मैचेस जो है वो देख सकते हैं इसके अलावा अतिसलात के ऊपर आप ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ये मैचेस दे सकते हैं उसके अलावा फ्लो स्पोर्ट्स पे कैरेबियन एरिया में उसके अलावा स्काई न्यूज़ जो है वो आपको न्यूजीलैंड में जो लोग पाकिस्तान इंग्लैंड के मैचेस देखेंगे वो स्काई न्यूज़ के ऊपर देख सकते हैं फॉक्स स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में ये मैचेस जो है वो नशर करेगा उसके अलावा स्काई स्पोर्ट्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में भी ये मैचेस बर रास्त नशर करेगा सोनी के ऊपर जो है वो आप साउथ एशिया में पाकिस्तान के बाहर आप ये पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैचेस जो वो देख सकते हैं सुपर स्पोर्ट्स जो है वो सब सहारा अफ्रीका और विलो टीवी जो है वो नॉर्थ अमेरिका में ये मैचेस जो है वो लाइव टेलीकास्ट करेगा तो दुनिया भर में पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच है वो देखा जाएगा पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको पहले बताया पी स्पोर्ट्स पर टी के ऊपर और मोबाइल के ऊपर आप जो है ए आर की ऐप के ऊपर जो है वो ये मैचेस बरह रास्त देख सकते हैं तो इस वक्त टीमों ने भी तैयारी शुरू कर दी हैं ब्रॉडकास्टर्स ने भी तैयारी शुरू कर दी हैं डिजिटल बाउंड्रीज लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है बाकी कैम्प भी वहाँ पर होगा उसके अलावा मुख्त्य जो हाई डेफिनेशन कैमरा स्टाइस उसके ज़रिए जो है वो पूरा मैच और पूरी सीरीज़ आपको बर रास्त दिखाई जाएगी